ब्रॉट यू बाय इंडिपेंडेंस, कण कण में स्वाद, कण कण में भारत। बिल्कुल, भाजपा को पूरी तरह से पटकनी देनी है, तो अब ये समय आ गया है जब असलियत सामने आएगी और तख्ता पलटा जाएगा। तख्ता पलटा जाएगा, पर 10 साल का जिक्र आपने किया, पर 10 साल में आप लोग आपस में कहते हैं कि एक दूसरे को ही पटकनी देते नजर आए कांग्रेस के नेता, और अंदरूनी कलह बहुत है, कई बारी मीटिंगों में भी ये सामने आया, तो क्या ये एक बहुत परेशानी का सबब बन सकता है पार्टी नेतृत्व के लिए और आप लोग के लिए? फिर कप्तान कौन रहेगा हरियाणा का, किसकी लीडरशिप में लड़ रहे हैं चुनाव? मैं बोल दूं कि मुख्यमंत्री तय होगा चुनाव। हरियाणा के सियासी दंगल की तारीखों का ऐलान हो गया है। हमारे साथ कुमारी शैलजा हैं, कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता सांसद, आइए उनसे बात करते हैं। शैलजा जी, क्या आपको लगता है कि कौन किसको पटकनी देगा, इस बारी कांग्रेस की तैयारी पूरी है? बिल्कुल, भाजपा को पूरी तरह से पटकनी देनी है, और ना केवल कांग्रेस लेकिन जनता का ये ऐलान है, जनता का फैसला है, और ये समय बता देगा। अक्टूबर में जब नतीजे आएंगे आपको साफ नज़र आ जाएगा कि 10 साल का जो भाजपा का मौका इनको मिला हरियाणा के लोगों की ओर से, इन्होंने कैसे उस मौके को ना केवल गंवाया बल्कि हरियाणा के लोगों को अपने आप को ठगा हुआ महसूस आज महसूस हो रहा है। तो ये सारी बातें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीति रही है, अब हर वर्ग को देख लीजिए, हर वर्ग को ऐसा लगता है कि हमारे साथ धोखा हुआ है। तो अब ये समय आ गया है जब असलियत सामने आएगी और तख्ता पलटा जाएगा। तख्ता पलटा जाएगा, पर 10 साल का जिक्र आपने किया, पर 10 साल में आप लोग आपस में कहते हैं कि एक दूसरे को ही पटकनी देते नजर आए कांग्रेस के नेता, और अंदरूनी कलह बहुत है, कई बारी मीटिंगों में भी ये सामने आया, तो क्या ये एक बहुत परेशानी का सबब बन सकता है पार्टी नेतृत्व के लिए और आप लोग के लिए भी? तो भाजपा में नहीं देखा क्या आपने, इनकी सरकार और इनकी सरकार में आपस में कितना मतभेद होता रहा, कलह होती रही, बल्कि मंत्री भाग जाया करते थे, उससे तो बल्कि सारा राज्य प्रभावित होता था। आपकी लड़ाई कम है उनसे, ये आप हमारे नहीं, देखो लड़ाई की बात नहीं है, ये किसी भी संगठन में होता है कि अपने अपने क्षेत्र के लिए या अपने प्रभाव के लिए या किसी भी तरह से सब लोग अपनी जगह के लिए संघर्ष करते हैं, तो ये तो एक हिस्सा है राजनीति का। फिर कप्तान कौन रहेगा हरियाणा का, किसकी लीडरशिप में लड़ रहे हैं चुनाव? कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता की लीडरशिप में, और आपका अगले सवाल से पहले मैं बोल दूं कि मुख्यमंत्री तय होगा चुनाव के बाद। आप ये कहती हैं, दूसरा कुछ और कहता है, तो ये अपनी अपने होती है महत्वाकांक्षाएं होती हैं, पर कांग्रेस का सिस्टम है, हाई कमांड चुनाव के बाद तय कर। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए शैलजा कुमारी, यहाँ पे कुमारी शैलजा यहाँ पे हमसे बातचीत। कैमरा पर्सन अजय।